हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चार्सेट पर। दोस्तों, यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिक्रूटमेंट TG2 टेक्नीशियन के पोस्ट को बोलते हैं। फ्रेशर जॉब है दोस्तों, परमानेंट टाइप जॉब है। इसमें पोस्ट जो है 800 से लेकर 3000 के अप्रॉक्स आने की उम्मीद है। तो सैलरी जो है 35000 के अप्रॉक्स है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा कब तक जो है आ सकता है, क्या है क्राइटेरिया, सब कुछ दिखाऊंगा। जो है वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, UPPCL टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2022 शॉर्ट डिटेल बताने वाला हूँ। कुछ सूत्रों से पता चला है कि बहुत जल्द UPPCL में टेक्नीशियन ITI वालों के लिए नोटिफिकेशन आने वाली है। लगभग जो है पोस्ट की बात करें तो 800 से लेकर 2000 के बीच में पोस्ट, यानी 1200-1300 के अप्रॉक्स पोस्ट रह सकती है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल होने वाला है। पे स्केल 27,200 बेसिक पे से लेकर मैट्रिक, ये बेसिक पे रहने वाला है। इसके बाद HR TA DA मिला के लगभग 40 से 45 हज़ार सैलरी रहेगी। CVT एग्ज़ाम होगा और जून के सेकेंड वीक में जो है इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी चैनल पर आपको अपडेट मिल रहा है। शेयर वीडियो को दबा के करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, बहुत अच्छी अपडेट आपको मिलने वाली है। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कुछ इस तरह से है। 3 घंटे का पेपर होता है, 250 नंबर का, निगेटिव मार्किंग 1/4 एंड 0.25। 2,250 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 50 क्वेश्चन, टेक्निकल जनरल स्टडीज़, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, हिंदी के 200 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे। इस तरह से आपका 250 टोटल क्वेश्चन रहता है और एक पेपर 1 घंटे का पेपर होता है। तो काफ़ी अच्छा मतलब पैटर्न रहता है। ITI वाले का शानदार मौका है क्योंकि पिछली बार मतलब 1000 से अप्रॉक्स वैकेंसी आई थी जिसको कैंसिल कर दिया गया था। वही वैकेंसी रिवाइज करके फिर से दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस पर ध्यान दे रही है और आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, तभी आप जो है क्रैक कर पाएंगे एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए पेपर कुछ इस होगा। टेक्निकल के 150 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 15 रहेंगे, हिंदी के भी 15 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर नॉलेज के 50। इस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस रहने वाला है। इसका भी सिलेबस मैं डिटेल में दे दूंगा ITI ब्रांचों के लिए, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द आपको जून महीने में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी, पूरी संभावना है। ठीक है, तो जून महीने में किसी भी डेट वक्त आ सकती है, 10 के बाद या 20 के पहले। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो अगर आपको कुछ जानकारी हो इसके बारे में तो कमेंट में बताएंगे मुझे ज़रूर से। उसके बाद बात करें तो वैकेंसी आपने देख लिया है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल कर सकता है। आपको 10वीं पास आउट होना चाहिए यूपी गवर्नमेंट कॉलेज से। यूपी के अलावा अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं जनरल पोस्ट के लिए। बाकी आपको अगर UR छोड़ के EWS SC ST OBC का छूट चाहिए तो यूपी का गवर्नमेंट, यूपी से डोमिसाइल होना चाहिए। इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम में ऑल प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जैसे इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लगभग सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। जरूर से आपको वीडियो को शेयर कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। कुछ डाउट होगा कमेंट में बताएंगे, कुछ जानकारी भी कमेंट में बताएंगे। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।